पूरे जनपद के जितने हमारे लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं और कुछ और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं सभी के साथ एक कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने जो वुमेन से रिलेटेड क्राइम है उसके संबंध में हमारी क्या जो है क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन भी हुआ है जिसमें हमारे सभी कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया है कि जैसे वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के संबंध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हमारी जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कार्य करने में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं उसके बारे में एक फीडबैक जो है फॉर्म सबको दिया गया, वो फीडबैक लेकर एनालिसिस की जाएगी ताकि राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होकर जो है एक बेहतर मॉडलिटीज बनेगी जिससे कि कार्य करने में हमारी सभी लेडी पुलिस ऑफिसर्स को मदद भी मिले। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी वर्किंग है, पुलिस की वर्किंग है, एंटी रोमियो स्क्वाड है और AHGU है आदि जो यूनिट्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है उन सभी के बारे में इन सभी अधिकारियों को बताया गया है। स्पेशली चूँकि लेडी पुलिस ऑफिसर्स हमारे जनपद में काफ़ी हैं और महिला संबंधी अपराध अनुशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है काफ़ी संवेदनशील भी है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें दोनों तरफ से डायलॉग रहे और हम समझते हैं कि जो फीडबैक हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं उनकी समीक्षा के बाद जो है एक कुछ गाइडलाइंस बनेंगे जिसके आधार पर हमारी वर्किंग बेहतर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वर्किंग में।